जय श्री द्वारिकाधीश। जय श्री द्वारिकाधीश। दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सचिन शर्मा आप सभी को लेके आ गया हूँ श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका में, और आपको दर्शन करवाएंगे यहाँ पे श्री कृष्ण जी के, और आपको बताएंगे सारा इतिहास द्वारका के बारे में। लास्ट वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि मैंने आपको दर्शन करवाए थे श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के, जो कि सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद लोकल साइट सीन करने के बाद हमने आपको गंगेश्वर महादेव के भी दर्शन करवाए थे, और दीव में हमने आपको नागवा बीच एक्सप्लोर करके दिखाया था। लास्ट नाइट सोमनाथ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी द्वारका के लिए, और हमारी गाड़ी ने 1 आवर एंड 45 मिनट्स के डिले के साथ हमें द्वारका में ड्रॉप कर दिया था, और अभी मॉर्निंग में 11 बज गए हैं। हम जा रहे हैं मंदिर परिसर की तरफ। जय श्री द्वारकाधीश। और सारी फैमिली साथ में जा रही है। इधर है मम्मी जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। जय श्री द्वारकाधीश। और हम जा रहे हैं अभी श्री कृष्ण जी के दर्शन करने। 11 बज गए हैं। जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है तो बताया जा रहा है कि 1 बजे के अराउंड 1 से 5 तक मंदिर परिसर क्लोज रहता है, दर्शन नहीं होते, क्योंकि वो शयन समय होता है, सोने का टाइम होता है श्री कृष्ण जी का। एंड इस साइड जाना है जी। अभी सबसे पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद अपना ब्रंच करेंगे, ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल टू ब्रंच, और उसके बाद हम लोकल साइट सीन करेंगे। फिर आपको हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह दिखानी, बेट द्वारका जाएंगे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, तो वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा। द्वारका भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक प्राचीन नगर है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक और सप्तपुरी में से भी एक है। यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का स्थल है, और गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी भी माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया था। यह श्री कृष्ण जी की कर्म भूमि है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से भी एक है। श्री कृष्ण मथुरा में जन्मे, पर राज उन्होंने द्वारका में किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा देने से लेकर धर्म की जीत करवाई, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, और रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई, और इस नगरी के अवशेष समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, असल में द्वारका 2 है, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। गोमती द्वारका धाम है और बेट द्वारका पुरी है। बेट द्वारका के लिए आपको समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। 4 धामों में से एक द्वारका धाम मंदिर लगभग 2000 से भी अधिक वर्ष पुराना है। द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एकांत में रुक्मिणी जी का मंदिर है। कहते हैं ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण उन्हें एकांत में रहना पड़ा। वर्तमान में जिस स्थान पर उनका निजी महल हरिग्रह था, वहां आज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है, और बाकी का नगर समुद्र में है। द्वारकाधीश मंदिर सुबह 7 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। मान्यता है कि इस स्थान पर मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण जी के पड़पौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। बाद में समय समय पर मंदिर का विस्तार एवं जीर्णोद्वार होता रहा। मंदिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। हालांकि द्वारकाधीश मंदिर द्वारका का मुख्य मंदिर है, जिसे जगत मंदिर या ब्रह्मांड मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद श्री कृष्ण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं।
द्वारका में वस्त्र बदलने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं और जगन्नाथ में भोजन करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद भगवान पुरी में निवास करते हैं। इस मंदिर की उत्तर दिशा में मोक्ष द्वार तथा दक्षिण में स्वर्ग का द्वार है। यहाँ से 56 सीढ़ियाँ चढ़कर स्वर्ग द्वार से मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर के पूर्व दिशा में शंकराचार्य द्वार स्थापित शारदा पीठ स्थित है। यह मंदिर 5 मंजिला है जो 72 स्तंभों पर स्थापित है। मंदिर का शिखर लगभग 80 मीटर ऊंचा है और शिखर पर करीब 52 गज लंबी धर्म ध्वजा लहराती रहती है। मंदिर के ऊपर की ध्वजा सूर्य और चंद्रमा को दर्शाती है। माना जाता है कि श्री कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक सौर मंडल में सूर्य और चंद्रमा मौजूद रहेंगे। ध्वजा को दिन में 5 बार बदला जाता है लेकिन इसका प्रतीक एक समान ही रहता है। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है। भगवान ने हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हैं। द्वारकाधीश मंदिर के दक्षिण में गोमती धारा पर चक्र तीर्थ घाट है। उससे कुछ ही दूरी पर अरब सागर है जहाँ समुद्र नारायण मंदिर स्थित है। इसके समीप ही पंचतीर्थ है। वहाँ 5 कुओं का जल से स्नान करने की परंपरा है। दोस्तों ये देख सकते हैं मंदिर प्रांगण है, ये मंदिर परिसर, और यहाँ से एंट्रेंस होती है और इस बाउंड्री के आगे आप मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकते। सामने देखिए ध्वजा लहरा रही है जो कि दिन में 5 बार चेंज की जाती है और अभी 12:15 बजे ध्वजा चेंज की गई थी हमारे सामने। मैं तो अंदर था, अगर कैमरा मेरे पास होता तो मैं बाहर से शूट ज़रूर कर लेता। तो मंदिर के बाहर आपको यहाँ पे लॉकर रूम मिल जाएंगे जहाँ पे आप इस साइड अपने मोबाइल फ़ोन एंड लगेज सबमिट करवा सकते हैं और फ्रंट में आप अपने शूज़ सबमिट करवा सकते हैं। फिर आप जाइए दर्शन करने, और मार्केट बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पे। दोस्तों फाइनली दर्शन करके आ गए हैं हम दर्शन करने गए थे ऑलमोस्ट 11:15 बजे और दर्शन करके आ गए हैं। अभी आपको बता दूं टाइम 1 बज गया है। अंदर ही आपको सारे मंदिर में दर्शन करने के लिए कम से कम 1 से 1.25 घंटा लग सकता है, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप मॉर्निंग में जल्दी से आके 7 बजे मंदिर परिसर ओपन हो जाता है तो आप 7 बजे के आसपास आके दर्शन कर जाइए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है वैसे वैसे ज़्यादा संख्या आती रहती है और फिर लाइन ज़्यादा लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको ज़्यादा अच्छे दर्शन ना हो ऐसा हो सकता है। और जो टाइमिंग्स है आपको फिर से बता दूं, 7 बजे मॉर्निंग में ओपन होता है, फिर 1 बजे क्लोज कर दिया जाता है, 1 से 5 बजे तक क्लोज रहता है मंदिर, और उसके बाद 5 बजे इवनिंग में दोबारा से ओपन किया जाता है श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने के लिए। आज के लिए तो हमने श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लिए हैं। अभी कल मॉर्निंग में आएंगे दोबारा से, तो उस टाइम पे हम ट्राई करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुले दर्शन हो सके, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे संख्या कम रहती है श्रद्धालुओं की, तो उस टाइम बढ़िया दर्शन होते हैं। और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाने के बाद हम आसपास लोकल साइट सीन करेंगे और फिर आपको इवनिंग में ओशियन व्यू पॉइंट भी दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो हम खाना खाने जा रहे हैं, देख सकते हैं श्री द्वारकेश भोजनालय। इसमें आप देख सकते हैं भोजन थाली का प्राइस 65 रुपीज है और नाश्ता अगर आप करना चाहते हो तो 20 रुपये में आपको नाश्ता भी मिल जाता है। और इसका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 7 बजे से लेके इवनिंग में 10:30 बजे तक ओपन रहता है। तो ये देख सकते हैं ये थाली आ गई अपनी 65 रुपीज़ की थाली, और आपको बता दूँ ये अनलिमिटेड थाली है, आप इसमें रिफिल करवा सकते हैं। इधर चल रहा है अपना खाना, 65 रुपीज़ में काफ़ी बढ़िया थाली है यार, आते हो तो आप ट्राई जरूर कर सकते हो, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। मंदिर में द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद हम सबसे पहले खाना खाने गए। खाना खाने के पश्चात हमने प्रस्थान किया गोमती घाट की तरफ। ये जो आप सारी देख रहे हैं ये है गोमती नदी, और गोमती नदी आगे जाके वो पॉइंट है वहाँ पे अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों सामने ये सुदामा सेतु है जिसको क्रॉस करके आप जाते हो तो आगे पंच कुएं बने हुए हैं जो कि पांडवों के द्वारा बनाए गए थे, बट अभी सुदामा सेतु क्लोज है। रीज़न मुझे पता नहीं लगा कि क्लोज क्यों किया गया, बट इसको अभी किश्ती के द्वारा ही क्रॉस किया जा रहा है। तो हम अभी वापस रूम पर जा रहे हैं और इसको हम इवनिंग में आकर एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे, आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो दोस्तों अभी निकल रहे हैं हम कमरे की तरफ, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और आफ्टर दैट अभी जैसे 2 बज गए हैं 4:15 या 4:30 बजे निकल के आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। दोपहर में गर्मी काफ़ी होने के कारण हमने 2 से 3 घंटे का ब्रेक लिया और शाम होते ही हम फिर से पहुंच गए गोमती घाट के पास। जय श्री द्वारकाधीश।
तो इवनिंग हो गई है, जहाँ पे आपको छोड़ के गए थे वहीं से आपको ज्वाइन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं सुदामा सेतु है मेरे बैक साइड में। तो लोकल्स के द्वारा और पुलिस के द्वारा मेरे को ये पता लगा है कि सुदामा सेतु को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली मोरबी में जो हादसा हुआ था उसके कारण, उसके चलते हुए सुदामा सेतु को टोटली क्लोज कर दिया गया। अगर आप इसको क्रॉस करके दूसरी साइड जाना चाहते हो, पंचकुआं देखना चाहते हो और मंदिर के दर्शन करना चाहते हो, फिर आपको शिप लेके ही दूसरी साइड जाना पड़ेगा और आप उधर से अरब सागर के भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है सामने सुदामा सेतु। गोमती घाट के उस पार आपको गोमती नदी को पार करके जाना होगा। गोमती नदी को आप किश्ती द्वारा ही पार कर पाएंगे, क्योंकि सुदामा सेतु को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। सुदामा सेतु ये पुल है जिसको पार करके आप दूसरे छोर पर जा सकते थे, लेकिन मोरबी के हादसे के बाद इसे सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। तो अगर आप पंचकुआं देखना चाहते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको किश्ती में बैठकर ही दूसरे छोर तक जाना पड़ेगा। यह पुल गोमती घाट को पंचनंद तीर्थ या पंचकुएं से जोड़ता है। पंचकुएं वह स्थान है जहां माना जाता है कि पांडव रुके थे और यहां पांच पांडवों ने पांच कुएं बनवाए थे। इन कुओं में समुद्र से घिरे होने के बावजूद भी मीठा पानी है। सुदामा सेतु का नाम श्री कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा जी के नाम पर रखा गया है। तो फाइनली वी आर गोइंग। किश्ती में आने तथा जाने का आपसे 100 रुपया लिया जाएगा। चल पड़ी सल पड़ी गाड़ी। तो गोमती रिवर क्रॉस करके आ गए हैं इस साइड, और हार्डली 1 मिनट लगा यार इधर आने के लिए। अभी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। दोस्तों जब आप रिवर क्रॉस करके आते हैं, आपको यहाँ पे कुछ जगह मिलेगी देखने के लिए, जैसे कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और जो पांच पांडवों ने पांच कुएं बनवाए थे, जो कि मीठे पानी के कुएं हैं, उनको पंच कुएं बोला जाता है। और यहाँ से एकदम मेरे राइट साइड में बीच भी है और एक सामने पॉइंट है, इस साइड पॉइंट है, एकदम सामने जाओगे फ्रंट पे तो आपको वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे गोमती रिवर और अरब सागर का संगम हो रहा है, एकदम फ्रंट पे जाके। और इधर है द्वारिकाधीश टेम्पल। ये है सुदामा सेतु जो कि क्लोज कर दिया गया था मोरबी हादसे के बाद सरकार के द्वारा। दर्शन करके आ गए हैं जी मंदिर से। पंचनंद तीर्थ, गोमती तीर्थ, और ये कुएं वैसे तो काफी गहरे हैं, पर अभी पानी ऊपर आया हुआ है, देख सकते हैं। यह मीठे पानी के कुएं जो कि पांडवों के द्वारा बनाए गए थे। एक ये कुआं है, दूसरा सामने, 3, 4 और लास्ट में 5। और इधर देखिए यहाँ पे लिखा है पंचनंद तीर्थ, जाम्बुवती तीर्थ। इस टाइम पानी ऊपर आया हुआ है ऑलमोस्ट। पंचनंद तीर्थ, कुशावती तीर्थ, और आप ऋषि मुनियों के नाम भी साथ साथ में पढ़ते रहिए, क्या बात है। पांडवों ने तो यार सारा भारत घूम लिया था, भारत भ्रमण कर लिया था पांडवों ने। पंचनंद तीर्थ, चंद्रभागा तीर्थ, और इस साइड है पंचनंद तीर्थ, लक्ष्मणा तीर्थ। लेवल ऑलमोस्ट सेम है सभी में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ऋषि दुर्वासा जी के द्वारा श्री किशन और रुक्मणी जी को श्राप दिया गया था कि उनकी द्वारका में हमेशा खारा पानी रहेगा। तो ये सारा जो एरिया है इसमें खारा पानी होता है, तो उसके बीच में पांडवों ने पांच कुएं बनाए थे जिनमें से मीठा पानी निकलता था। तो देखिए एक अद्भुत चमत्कार ही है ये सारा एरिया। यहाँ से दूर दूर तक बोला जाता है कि यहाँ से कम 45 गाँव तक अच्छे तरीके से खेती नहीं हो सकती है, क्योंकि पानी यहाँ का खारा है इसलिए। तो अभी हमने यहाँ पे एक नई लाइन सीखी है अपने गुजराती भाइयों से, ये देख सकते हैं यहाँ पे एटीवी चलाते हैं यहाँ पे। इन्होंने बताया कि क्या बोला, हमारे चैनल को लाइक करो। अरे ये तो हिंदी में है, गुजराती में हमारा हमारा चैनल ने सब्सक्राइब करो, हमारा चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और फॉलो करो, वीडियो ने लाइक करो और फॉलो करो फॉलो कर जो।
કેમ છો? આખા ગુજરાતમાં ફેલાવી નાખજો. કેમ છો? કેમ છો? મજામાં. મજામાં. અમે મજામાં જોઈ ભાઈ. ध्वजा चेंज हो गई है, देख सकते हैं. जस्ट मैं एक मिनट लेट हो गया हूँ. चेंज करने का प्रोसीजर दिखाना था यार आपको. दोस्तों संगम पॉइंट पे पहुंच गए हैं, देख सकते हैं. इस साइड से गोमती रिवर आ रहा है, ये देखिए, यह गोमती रिवर. और इस साइड से आ रहा है अरब सागर या अरेबियन सी, आप इसको बोल सकते हैं. ये देखिए दोस्तों, ये सामने संगम पॉइंट, ये वाला जहाँ पे अरब सागर और गोमती रिवर का संगम हो रहा है. काफ़ी बढ़िया दृश्य है. और यहाँ पे इनकी बाउंड्रीज लगाई गई है कि आप इसके पार नहीं आ सकते. तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है जो वाटर स्पोर्ट्स, तो इसको क्रॉस करके वो आगे नहीं आ सकते. क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा फ्लो भी बढ़ जाता है और थोड़ा सा अपना डीप भी हो जाता है. ये पंचकुआ और श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करके हमने समुद्र किनारे बहुत ही अच्छा सनसेट देखा. दोस्तों ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है, देख सकते हैं. और ये सारा बीच है. एंड इसके अगर आप राइट साइड में देखेंगे, आपको यहाँ पे लाइट हाउस भी दिखेगा. और उसी साइड भड़केश्वर महादेव मंदिर भी है. वैसे तो व्यू पॉइंट भड़केश्वर महादेव मंदिर के पास ही है, बट अगर आप बीच से इंजॉय करना चाहो, बीच से भी बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट हुआ है और काफ़ी अमेजिंग था. एंड इस टाइम कुछ ऐसी हलचल है, भीड़ बहुत कम है बीच पे, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये. दोस्तों आधे घंटे पहले आपने देखा होगा ध्वजा चेंज की गई थी और अब आरती हो रही है. और आरती के समय से फिर से एक बार ध्वजा चेंज कर दी गई है. तीन बार तो मैंने ही देख लिया दिन में ध्वजा चेंज करते हुए मंदिर की. किश्ती में बैठ गए फिर से बोट में. और आपको बता दूं कि आपको बताना चाहता हूं कि आप जब बोट करते हो तो आपको दोनों साइड का पे करना पड़ता है. तो 100 रुपीज़ होता है अप डाउन. आपको लेके भी जाते हैं और वापस भी लेके आते हैं, तो 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है उसके लिए. एंड आपको 1 से 1.5 से 2 घंटे मिल जाते हैं आराम से, जितना मर्जी आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो. बट 8 बजे से पहले आप वापस चले जाएं, क्योंकि 8 बजे के बाद राइड्स जो होती है वो क्लोज कर दी जाती है. और फिर अपनी किश्ती में बैठ कर हम फिर से पहुँच गए गोमती घाट पर. अब समय था श्री भड़केश्वर महादेव, गीता मंदिर और गायत्री मंदिर में दर्शन करने का. आप इन तीन लोकेशंस पर पैदल या ऑटो रिक्शा लेकर जा सकते हैं. हमने सनसेट के बाद गोमती घाट से ही यहाँ पर पैदल जाना उचित समझा. दोस्तों अभी हम जा रहे हैं श्री भड़केश्वर महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं. आप ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर रास्ता बनाया गया है. अगर आप यहाँ से 500 मीटर आगे जाएंगे तो आपको श्री द्वारिकाधीश मंदिर दिखेगा. इस साइड वो देखिए पताका लहर रही है. तो मंदिर से बाहर निकलकर आप गोमती रिवर से साइड साइड से आएंगे तो आपको ये सारा पैसेज बना दिखेगा, सारा पाथ बनाया गया है. यहाँ से आप आगे जाते रहेंगे, यहाँ पे आपको गायत्री मंदिर, श्री गीता मंदिर और श्री भड़केश्वर महादेव जी के दर्शन होंगे. तो चलते हैं हम और आपको तीनों मंदिरों के दर्शन करवाते हैं. और ये देखिए, ये है दोस्तों गायत्री मंदिर. और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जो मेन सनसेट व्यू पॉइंट है
द्वारका का वो ये है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो इसे मेन सनसेट व्यू पॉइंट बोला जाता है। बट व्यू अगर की व्यू की बात करें अगर, तो बीच से भी उधर से सारा सेम व्यू आता है, बस इधर थोड़ा ओपन एरिया आपको मिल जाएगा, ओपन फील्ड, तो इसे सनसेट व्यू पॉइंट नाम दिया गया है। और इसके अगर आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ से गीता मंदिर और भड़केश्वर महादेव जी का मंदिर दिखेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं श्री भड़केश्वर महादेव जी के मंदिर के पास। अगर आप पैदल चल के आना चाहते हो श्री श्री द्वारिकाधीश टेम्पल से, तो आपको अप्रोक्सीमेट 25 या 30 मिनट्स लग जाएंगे इजीली, एंड हम भी पैदल आ रहे हैं। गीता मंदिर और गायत्री मंदिर में दर्शन करके हम पहुंचे श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर में। लगभग 5000 साल पहले अरब सागर में स्वयं से प्रकट हुए यह शिवलिंग आज श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर के नाम में प्रसिद्ध है। जून जुलाई के महीने में सागर स्वयं एक बार इस शिवलिंग का अभिषेक करता है और कुछ समय के लिए तो यह मंदिर जलमग्न हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के आसपास भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 12 बजे तक शिवलिंग का भक्तों द्वारा जल अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन मंदिर भक्तों के लिए दर्शन हेतु हर समय खुला रहता है। और दोस्तों हम बाहर से दर्शन करने पड़ रहे हैं क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर जाना बस मॉर्निंग में ही अलाउड है। जय भड़केश्वर महादेव, जय हो। भड़केश्वर महादेव मंदिर के 100 मीटर की दूरी पर है सनसेट पॉइंट, जहां पर आकर आप सनसेट जरूर देखें। दोस्तों भड़केश्वर महादेव और गीता मंदिर और गायत्री मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है, अब हम निकल रहे हैं सीधा मेन मार्केट की तरफ, वहाँ पे जाके करेंगे डिनर और कल हम आपको फिर अर्ली इन दी मॉर्निंग ज्वाइन करेंगे। अर्ली इन दी मॉर्निंग सबसे पहले श्री द्वारिकाधीश टेम्पल में जाके श्री कृष्ण जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे बेट द्वारका श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि यहाँ से तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर दूर है। एंड आफ्टर दैट हम आपको दिखाएंगे गोपी तालाब और करवाएंगे रुक्मणी जी के मंदिर में दर्शन। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा, आपको सारी लोकेशंस हम एक्सप्लोर करके दिखाते रहेंगे। और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री कृष्णा श्री द्वारिकाधीश जी की जय।